हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने आज 10 मिनट हमको दे दिया तो समझिए कि मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर आपका फिक्स। इस तरह का आज का टॉपिक है जो हमेशा ही हमेशा किसी भी मैट्रिक के परीक्षा में 5 नंबर का लॉन्ग आंसर के रूप में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना जो दो चर में होता है, और ये एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है। तो आइए आज हम इसी एक्सरसाइज को देखते हैं और सीखते हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। तो कृपया आप अपना अटेंशन को बनाए रखें और देखें, आपको मैं वादा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका हल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10th क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं। एक कंडीशन और दिया है इसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमें अलग अलग लड़कियों तथा लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कियों और लड़कों दोनों को क्रमशः किसी को भी x किसी को भी हम y मान के बनाएंगे, दो इक्वेशन तैयार करेंगे, दोनों इक्वेशन से दो दो बिंदु निकालेंगे। ग्राफीय विधि में यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दोनों बिंदु से पहले हमने यहाँ कार्तीय तल बना लिया है, कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, इस पे हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लिया कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। मान लिया हमने दोनों को। अब एक क्वेश्चन हम ये जो बनाने जा रहे हैं आपको बिल्कुल समझा के बताएंगे, एक और क्वेश्चन इसी में बनाएंगे जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा और आज के बाद आपको ग्राफीय विधि देखने की जरूरत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन उठाइएगा तुरंत उसका आंसर बना दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। किसी भी क्वेश्चन में ग्राफीय विधि में हमें दो चर मानना ही है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब 10 लड़के हैं तो 10 विद्यार्थी हैं, लड़के नहीं विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी में कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे, लेकिन दोनों 10 ही हैं। तो प्रश्न से ये लड़का और प्लस ये लड़के बराबर कितना 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ रहा होगा समझ में। ये लड़का ये लड़की दोनों मिलकर विद्यार्थी और विद्यार्थियों की संख्या 10, तो ये 10। पुनः एक और कंडीशन दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो दो चर में होगा, दो कंडीशन देगा ही। तो एक और कंडीशन देता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, अर्थात लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो वो संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन नंबर 2, बस 2 इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशन से अलग अलग दो दो बिंदु निकालेंगे और यहां जाके हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये है x प्लस वाई बराबर 10। थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं, याद रखना है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस 4 बराबर वाई। इसे थोड़ा सा एक लाइन और हम इसे कर देते हैं ताकि मान निकालने में आसान हो। x ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो x माइनस वाई बराबर 4 माइनस, ये इधर आया माइनस, ये भी उधर गया माइनस, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब प्रत्येक इक्वेशन से दो दो बिंदु निकालना हमारा काम है। इक्वेशन नंबर 1,
समीकरण एक से। अब देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x प्लस y बराबर 10, यही ना समीकरण एक है। तो इससे हम निकालेंगे, कोई भी हम देख लेते हैं जिससे सुविधा हो, चाहे वो x मान के y निकाल ले, y मान के x निकाल ले। तो जब x बराबर, कोई भी हम संख्या मान लेंगे, जब x बराबर मान लेते हैं 2, x बराबर 2, तब यहां हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 10, y बराबर ये 2 चला जाएगा उस साइड, 10 ये चला आएगा इधर माइनस 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 8। यहां एक हम डाटा बना लेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ जब हमने 2 माना तो ये हमारा 8 आ गया, यहाँ 2 माना तो x, यहाँ y बराबर 8 आ गया। अब पुनः एक और कोई संख्या मान लेंगे, जब x बराबर 4 मान लेंगे, x बराबर 4, तो फिर यहाँ पे 4 करेंगे प्लस y करेंगे बराबर 10 करेंगे, केवल x का मान बदला है, फिर 4 को उस साइड हम ले जाएंगे, तो y बराबर 10 भागा 4, y का फाइनल मान कितना आ गया, 6, जब 4 हुआ तो 6 हो गया। तो इस तरह से समीकरण एक का हमें एक डाटा प्राप्त हो गया, 2, 8, 4, 6। अब समीकरण दो से, समीकरण दो से भी ठीक इसी तरह से निकालेंगे, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है, समीकरण दो है x माइनस वाई बराबर माइनस 4, x माइनस वाई बराबर माइनस 4, यह है हमारा समीकरण दो। जब कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, जब x माने y माने, जब x बराबर कुछ भी ले लेंगे, एक ले लेते हैं इस बार, तो एक माइनस y बराबर माइनस 4, माइनस y बराबर माइनस 4, और ये एक जाएगा उस साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस माइनस जब भी जुड़ता है 6 माइनस ही रहेगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो जब हमने लिया, यहां एक अलग बना देंगे समीकरण दो के लिए, ये है एक्स, ये है वाई, जब हमने लिया एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर आया 5। फिर आगे देखते हैं, जब x बराबर कोई भी मान ले लेंगे, जब x बराबर 4, x बराबर 4 ले लेते हैं, तो यहां कर देंगे 4, यहां माइनस y, यहां माइनस 4, माइनस y ये जाएगा उस साइड, पहले से माइनस 4 है और ये गया उधर, तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 8। अब क्या होगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या माना जाएगा वाई बराबर 8, किस पर 8 आया, एक्स पर, जब 4 हम लिए तो वाई आ गया 8, हमारा काम हो गया, ये हमारा जो बीजीए व्यवस्था है हो गया, बीजीए में कैलकुलेशन हो गया। अब हमें यहाँ पे ग्राफीय विधि से इसको खींचना है, आलेख डालना है। तो देखेंगे यहां पर पॉइंट बनता है, इसके लिए पॉइंट बनेगा 2, 8 और एक बनेगा 4, 6। नाइन्थ क्लास में हम जानते हैं कि एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है, और एक्स कमा वाई, तो 2, 8, 4, 6। इसी तरह से इसका भी पॉइंट बनेगा 1, 5, 4, 8। ये नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 2, 8
पहले x होता है, x है यहाँ दो और ऊपर है आठ, यहाँ आ रहा है। चलिए यहाँ हम शो कर देते हैं, दर्शा देते हैं, ये फिर चार कॉमा छ, एक्स बराबर चार और वाई बराबर छ, एक्स बराबर चार वाई बराबर छ, चाहे तो पॉइंट का हम नाम भी दे देंगे, यहां दो कॉमा आठ है, ये दो कॉमा आठ और ये है चार कॉमा छ। अब एक इसके लिए ये तो मिलाएंगे हम इसको, ये चला जाएगा, अब ये हो गया x प्लस कौन सा समीकरण था, x प्लस वाई बराबर दस, इक्वेशन नंबर एक के लिए ये आलेख मिला हमको, एक आलेख मिल गया। देखिए हमने क्या किया, दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ मिला हमको, एक पॉइंट यहाँ मिला, कोई जरूरी नहीं जब ग्राफ पेपर हमको मिलेगा एग्जाम में तो ऐसा चीज नहीं लगाएंगे, हम समझने के लिए लगाए हैं, यहाँ दोनों कट रहा है, यहाँ दोनों कट रहा है, तो एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, और हम जानते हैं कि जब तक दो बिंदु न मिलेगा हमें एक सीधी रेखा नहीं मिलेगी। जैसे ही हमको दो बिंदु यहाँ मिला, हमें दोनों पे पटरी रख के, स्केल रख के और लाइन खींच लेंगे ग्राफ पेपर। अब दूसरे इक्वेशन के लिए, ये पहला इक्वेशन नाम ही लिखेंगे उसका, पहला इक्वेशन किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो x + y बराबर 10 का ये लिखना है, अगर चाहे तो बिंदु भी लिख दें और बढ़िया होगा एग्जाम में। अब है एक पांच, x बराबर है एक, y बराबर है पांच, ये है, ये हम समझाने के लिए लाइन यहां लगाते हैं, x बराबर चार वाई बराबर आठ, x बराबर चार तो चार तो जा रहा है, इसको हम बढ़ा देते हैं, y बराबर आठ, अब इसको भी हम मिलाएंगे, इसको इस स्थिति में मिलाएंगे, और इस समीकरण का नाम क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस चार, तो यहां लिख दें या यहां लिख दें, x माइनस वाई बराबर माइनस चार, ये है दूसरा समीकरण, ये है पहला समीकरण। अब इसका ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं वही उनका हल पॉइंट होता है, वही उसका हल होता है। तो अब हम ये ग्राफ खींचने के बाद ये सब हटा दे रहे हैं, ये समझाने के लिए हमने लिखा था, आपको ग्राफीय पेपर पर, ग्राफ पेपर पर ये सब बनाया हुआ रहेगा पहले से। तो यहाँ ये बिंदु है, यहाँ ये बिंदु है, ये बिंदु था एक कॉमा पांच और ये बिंदु था चार कॉमा आठ। अब दोनों रेखा, दोनों रेखाखंड, रेखा बोलेंगे क्योंकि ये अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं एक जगह यहाँ काट रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये कटान बिंदु हमारा क्या है, यही कटान बिंदु हमारा एंसर होगा, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निर्धारित करेगा, कैसे करेगा देखिए, ये यहां से इसके समांतर, इसके समांतर इस ओर लाइन खींचेंगे, इसके समांतर इस ओर लाइन खींचेंगे, कहां आया, y पर आया सात, x पर आया तीन, x पर आया तीन, y पर आया सात, तो हमारा यहां क्या होगा, हमारा यहां मिला हमको क्या मिला, x बराबर कटान बिंदु,
अर्थात किसी को जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी लिख सकते हैं इसको, यही हल पॉइंट है, हल बिंदु है, हल बिंदु। हल बिंदु क्या है? यहां क्या हुआ? पहले x बाद में y, पहले x बाद में y, ना कि पहले y बाद में x, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, पहले x बाद में y, तो पहले 3 बाद में 7, 3, 7, अर्थात स्पष्ट है यहां x बराबर क्या? 3 की 7, 3 पहले, और y बराबर क्या? 7 की 3, 7, क्योंकि ये बाद में है। और यहां भी हम देख रहे हैं 3 जो है x से गिर रहा है, y 7 पे जा रहा है, तो इस तरह से x बराबर, और x क्या है? लड़कों की संख्या बराबर 3, क्योंकि x है, y बराबर लड़कियों की संख्या बराबर 7। किताब में आंसर मिला लीजिएगा, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको समझ में अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वीडियो को बैठ करके स्क्रीनशॉट लेके देखिए, ताकि आपका डाटा लॉस ना हो, और कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते चलिए। आपसे हम आज इस टॉपिक पे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो देखिए, आनंद उठाइए, सीखिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं, आप लोग देखिए। तो आइए इस क्वेश्चन पे अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चौथा का तीसरा, चौथा क्वेश्चन है कि, और सारा भी क्वेश्चन है, इसमें से कॉम्प्लिकेटेड यही है, इसीलिए इसको लिए हैं, इस पे हमारा बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से समीकरण संगत है, असंगत है, जो भी है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। संगत और असंगत के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अगर नहीं पता है तो इस पर एक स्पेशल वीडियो इसमें बना के डाला गया है, उसे आप देखिए, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, ये संगत है, कैसे संगत है, तो A1 बटा A2 बराबर 2/4 बराबर 1/2, ये कट के 2। फिर B1/B2 बराबर 1/-2 बराबर, तो यहां हम देख रहे हैं कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो बराबर नहीं है, और ये होता है प्रतिच्छेद। इस पे अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, तो हम समझ गए कि ये प्रतिच्छेद है, और प्रतिच्छेद क्या है? संगत होता है प्रतिच्छेद, तो ये संगत है, इसलिए हम इसका हल करने जा रहे हैं। और आप लोग रिवीजन कीजिए, देखिए थोड़ा सा उसमें जो कुछ नहीं समझ में आया इसमें क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, समीकरण 1 को हम लेके चलते हैं, समीकरण 1 से इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या तीनों में कोई उभयनिष्ठ है? तो नहीं, तो 2x+y = 6, ये हो गया समीकरण 3, ये इसको हमने उस साइड लेके हम चले। समीकरण 2 से तीनों में कुछ उभयनिष्ठ है? 2 है, तो 2 2x y - 2 = 0, ये 2 दुनिया 4 2 और 2 दुनिया 4, ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - y - 2 = 0, फाइनली हो जाएगा 2x - y - 2, ये हो जाएगा समीकरण 4। तो दो समीकरण हमको मिला, 2x + y = 6 और 2x - y = 2,
यहां हम समीकरण तीन से निकालते हैं, समीकरण तीन जब निकाल लेंगे, जब एक्स बराबर कुछ भी जो भी मन में आए, चलिए जीरो रख देते हैं, जीरो, क्योंकि ये पूरा टर्म को जीरो कर देगा। तो दो गुना जीरो प्लस वाई बराबर छ, ये तो जीरो हो जाएगा, तो समाप्त हो गया। वाई बराबर कितना हो गया, छ। यहां फिर एक समीकरण के लिए बनाएंगे, ये समीकरण एक, एक्स वाई, एक्स और वाई, तो एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर कितना हमारा आया, छ। अब पुनः जब एक्स बराबर एक ही के कुछ भी आपको जो मन में आए रखिए, जब एक्स बराबर एक, हमने पहले रख दिया जीरो, फिर हम रख रहे हैं एक, तो जब एक्स बराबर एक, तो यहां देखिए दो गुना एक जोड़ वाई बराबर छ, वाई बराबर छ, और ये दो गुना एक दो, और उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस दो, ये क्या हो जाएगा, y बराबर चार, जब x बराबर एक तो y बराबर चार, ये डाटा बनाना है और ये हमें अपने कॉपी पे शो भी करना है एग्जाम में, तो इसे हम हटाते हैं, इसे जरूरत है हमें। ये समीकरण दो से, समीकरण दो नहीं, इसे हम चार मान लिए हैं, चार से 2x माइनस वाई बराबर दो, चलिए इसको हमें लेके हटा देते हैं, ये है। तो x बराबर इसमें भी जीरो मान के देखते हैं, जब x बराबर किसी भी ग्राफीय विधि में आए, x बराबर आप जीरो मान सकते हैं, पहले इक्वेशन में एक में, दूसरों में भी सब x बराबर एक जीरो मान सकते हैं, तो दो गुना जीरो माइनस वाई बराबर दो, तो ये हो गया जीरो माइनस वाई बराबर दो, माइनस वाई बराबर दो, या y बराबर माइनस दो, y को माइनस नहीं रखेंगे, दोनों तरफ माइनस माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस यहां पर, तो जीरो दूसरा डाटा हम यहां कंप्लीट करते हैं, ये है x, ये है y, जीरो माइनस टू। अब एक और हम रख लेंगे x बराबर तीन, जब x बराबर तीन तो दो गुना तीन माइनस वाई बराबर दो, ये हो गया छ माइनस वाई बराबर दो, माइनस वाई बराबर दो माइनस छ, माइनस वाई बराबर माइनस चार, या वाई बराबर क्या होगा, चार, तो एक्स बराबर तीन वाई बराबर चार, हमें दो डाटा मिल गया। अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तो पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, चलते हैं पहला इक्वेशन का, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर छ, या वाई बराबर छ सीधा वाई पे होगा, ये हो जाएगा एक जीरो छ, जीरो छ का मतलब है कि पहले जीरो माने पहले एक्स बाद में छ, फिर है एक चार, एक्स बराबर एक वाई बराबर चार, यहां से आएगा ऐसे, इस बार हम नहीं दे रहे हैं इसको, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, एक्स बराबर एक और वाई बराबर चार, अब जीरो दो माइनस दो है,
एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर माइनस दो, माइनस वाई बराबर माइनस दो। अब तीन और चार, एक्स बराबर है तीन, वाई बराबर है चार, एक्स बराबर तीन और वाई बराबर चार। ये है जीरो माइनस दो। अब इसको मिलाएंगे और इसको भी हम मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। पहले हम इसको मिलाते हैं, स्केल से सीधा खींचेंगे और इसको भी हम खींचेंगे। तो इस समीकरण का नाम हम, पहला समीकरण कौन सा है हमारा, ये पहला समीकरण है, इस पे हम लिख देंगे, और दूसरा समीकरण का नाम दूसरे पे लिख देंगे। ये जरूर करेंगे, इस पे पहला समीकरण, इस पे दूसरा समीकरण, और देखेंगे कहां कट रहा है। तो दो दो पे कट रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु 2.2, 2.2 पे कट रहा है, अर्थात x बराबर 2, y बराबर भी 2, दोनों 2 आ गया, और यहाँ पे हमारा मान निकल गया कि x का मान कितना 2 और y का मान दिया गया 2। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो फिर एक दो बार देखिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, एकदम आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में रहता है, कुछ बनाने से अधिक क्वेश्चन डाला गया रहता है, उसमें एक ग्राफीय विधि जरूर रहता है, और ये बिल्कुल आसान है, 5 नंबर लेना आसान है, केवल आज के क्लास से ही अगर बढ़िया से देखें तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।